हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट 12 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच सिटी इज फेमस फॉर लेदर इन इंडिया, भारत में चमड़े के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कानपुर। जो कानपुर सिटी रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी फेमस सिटी रहती है लेदर के लिए। अगर बात करी जाए कानपुर की, तो कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है कानपुर को। अगर लार्जेस्ट स्टेट पूछी जाए आपके प्रोड्यूसर कौन है प्रोडक्शन में लेदर की, तो वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए दुनिया में, वर्ल्ड वाइड लेदर में कौन है, तो उसमें आपका चाइना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, जो सिंधु सभ्यता शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो इंडस सिविलाइजेशन वर्ड है इसको यूज किया था। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनते हैं उनको कवर करते हैं। हरप्पा जो सिविलाइजेशन है इसको डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदारो सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया रखलदास बैनर्जी के द्वारा। जो हरप्पा सिविलाइजेशन है ये कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो ये रावी रिवर के अराउंड सिचुएटेड रहेगी और ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और पंचनाद जो रिवर्स हैं उसमें शामिल है आपकी रावी रिवर। मोहनजोदारो आपका कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? तो ये भी इंडस रिवर के अराउंड ही आपका सिचुएटेड रहेगा। अगर एंशियंट पोर्ट पूछा जाए आपसे इंडस सिविलाइजेशन का, तो लोथल पोर्ट जो था ये एंशियंट पोर्ट है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो पशुपति महादेव का सील मिला था वो मिला था हरप्पा सिविलाइजेशन की साइड से। डांसिंग गर्ल देवसेना का फिगर मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो किस चीज़ का बना हुआ था? तो वो ब्रॉन्ज का बना हुआ था। जो डाइस गेम था ये लोग जानते थे, इंडस वैली पीपल जो थे वो डाइस गेम को जानते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहेंगे वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। इंडस सिटीज जिनको जाना जाता है वाटर मैनेजमेंट के लिए वो थी आपकी धोलावीरा। कहाँ पे कौन सी सिटी आपकी कौन सी जगह रहेगी जहाँ पे स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदारो सिविलाइजेशन में। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। विच ऑफ दीज ट्रेन बिटवीन इंडिया बांग्लादेश हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून 2022? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलाई गई 1 जून 2022 से, उस ट्रेन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसमें हमारा मिथाली एक्सप्रेस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्रेन की, तो ये ट्रेन कनेक्ट करती है इंडिया की सिटी सिलीगुड़ी, जो सिलीगुड़ी सिटी है इंडिया की, उसको बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से कनेक्ट करती है आपकी ये ट्रेन। अगर बात करी जाए जो आपकी मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी, उसके बाद आपकी बंधन एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी, ये आपकी दो ट्रेन्स रहेंगी जो कि ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो मिथाली एक्सप्रेस ट्रेन है ये थर्ड मॉडर्न पैसेंजर ट्रेन बन चुकी है इंडिया स्टेट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाली। तो ये तीन आपकी नाम तीनों के याद रखने हैं आपको, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन और मिताली एक्सप्रेस ट्रेन, ये तीनों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपकी चलती हैं। दी जकाम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, अगर बात करी जाए कि जो आपका जकाम डैम है वो कहां पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा राजस्थान स्टेट में। अगर राजस्थान स्टेट में बात करी जाए तो प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा राजस्थान में, वहां पे बना हुआ है आपका जकाम रिवर, जकाम रिवर है उसके अराउंड बना हुआ है आपका जकाम डैम। विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ चाइना, तो चाइना के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो ये आपकी रिवर हो जाएगी हांगहो रिवर। हांगहो रिवर जो है ये सोरो ऑफ चाइना इसको कहा जाता है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर पूछी जाए आपसे चाइना की, तो वो यांगसे रिवर रहेगी जो कि 6,300 किलोमीटर की रहेगी। और जो लार्जेस्ट सिटी है चाइना की वो होती है आपकी शंघाई। कैपिटल आप सबको पता ही है चाइना की, कैपिटल आपकी बीजिंग हो जाएगी। व्हाट परसेंट ऑफ भूटान्स एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो भूटान का कितना एरिया रहेगा
क्षेत्रफल रहेगा जो कि आपका किससे घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है। तो इसमें 72% जो एरिया है भूटान का वो फॉरेस्ट कवर एरिया हो जाएगा। द एरिया ऑफ इंडिया इज वॉट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, तो इंडिया का जो एरिया है वो दुनिया के कितना परसेंट एरिया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 2.42% रहेगा। अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया 7वें नंबर की, 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में। सबसे बड़ा जो एरिया होता है वो कौन सी कंट्री का है, अगर लार्जेस्ट कंट्री आपसे पूछी जाए तो वो रशिया रहेगी। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है कैनेडा, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पांचवें नंबर पे ब्राजील, 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7th रैंक रहती है इंडिया की एरिया में। तो आपको ध्यान रखनी है स्टार्टिंग की 7 कंट्रीज को आप जरूर याद रखें। विच इंडियन स्टेट बॉर्डर्स नेपाल भूटान एंड चाइना विद 3 कंट्रीज, तो नेपाल भूटान और चाइना ये 3 देश रहेंगे, इनसे भारत का कौन सा राज्य है जो कि अपनी सीमा लगाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की बाउंड्री जो रहेगी, जो बॉर्डर रहेगा वो नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चाइना से भी लगता है। मैप के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्किम स्टेट रहेगी। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सिक्किम का नेपाल से बॉर्डर टच होता है, राइट साइड में भूटान से टच होता है और अगर नॉर्थ की साइड देखेंगे तो चाइना से बॉर्डर टच होता है सिक्किम का। तो ये 3 देश हैं जिनसे बॉर्डर लगता है सिक्किम स्टेट का। गैंगटॉक जो हो जाएगी आप ये देख सकते हैं, ये कैपिटल है सिक्किम की। व्हाट इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो मरकरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्लैनेट्स की हम बात करें तो जो सबसे दूर प्लैनेट है वो कौन सा है, तो वो रहेगा नेपट्यून। अगर आपसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछा जाए सोलर सिस्टम का तो वो वीनस रहेगा। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो जुपिटर हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है मार्स को। जिसके सबसे ज्यादा मून्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स कौन से प्लैनेट के हैं, तो वो सैटर्न के हो जाएंगे। और ये करंट अफेयर का 2023 का ही क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा मून थे लेकिन कुछ नई डिस्कवरीज के बाद सैटर्न ने रीगेन कर ली है अपनी पोजीशन हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स की। तो प्रेजेंट टाइम में अभी 2023 में सैटर्न आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स वाला प्लैनेट हो जाएगा। कौन से प्लैनेट है जिनके पास कोई भी मून नहीं है, तो वो मरकरी और वीनस रहेंगे। फोबोस और डीमोस ये दोनों नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, किसकी रहेंगी, मार्स की। गैनीमेड जो है बिगेस्ट मून है, ये कौन से आपके प्लैनेट का है, तो ये जुपिटर का रहेगा। कौन से प्लैनेट को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो वो वीनस को बोला जाता है। टाइटन जो है ये भी एक मून रहेगा, कौन से प्लैनेट का, तो ये सैटर्न का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मून रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान, अगर भूटान की सबसे ऊंची पर्वत आपसे पूछा जाए कौन सा है, इंडिया का आपसे पूछा जाता है जो कि कंचनजंगा रहता है, लेकिन अगर आपसे नेबरिंग कंट्री का, जितनी भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको हम कवर करेंगे, पहले भूटान की यहां पे बात करते हैं, भूटान पूछा जा रहा है आपसे, तो भूटान का कौन सा है, इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैंगकर पुनसुम जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है आपकी भूटान की। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की। सबसे पहले इंडिया की अगर हाईएस्ट माउंटेन पीक आपसे पूछी जाए तो वो कंचनजंगा रहेगी। अगर आपसे पूछ ली जाए नेपाल की क्या है, तो नेपाल की तो दुनिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि रहेगी माउंट एवरेस्ट, वो हो जाएगी। अगर श्रीलंका की आपसे पूछी जाए तो पुद्रुत अगाला आपकी रहेगी श्रीलंका की। अगर अफगानिस्तान की आपसे पूछी जाए तो माउंट नोशाक है अफगानिस्तान की। म्यांमार की अगर आपसे पूछी जाए तो हका काबो राजी है म्यांमार की। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया, भारत में दुनिया के कितने परसेंट लोग रहते हैं, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 16.7% इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the name of the capital of Bhutan? भूटान की राजधानी का क्या नाम है, तो भूटान की कैपिटल है थिम्फू। What is the name of the border between India and Sri Lanka? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो सीमा होती है वो डिवीजन जो होता है उसको क्या नाम से जाना जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पाल्क स्टेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the length of India-China border line?
तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसको वो कितनी लंबी है, उसकी लेंथ क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 3488 किलोमीटर्स हो जाएगा। इंडिया की 5 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी रहेंगी जो बॉर्डर बनाती हैं चाइना के साथ, जिसमें यूनियन टेरिटरी हमारी हो जाएगी लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ। 4 स्टेट्स रहेंगी हमारी, जिसमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया? तो भारत का जो टोटल कोस्टल पार्ट है, जो वाटर बाउंड्री लगती है, वो कितने किलोमीटर की है? तो ऑप्शन डी 7516.6 किलोमीटर की। और टोटल हमारी इंडिया की 9 स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन बॉर्डर शेयर करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो बनाता है गुजरात, और जो सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनाता है वो रहेगा आपका गोवा। दोनों क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आपसे पूछ ली जाए तो वो कैनेडा की रहेगी। वेन डिड श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंट? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसमें ऑप्शन ए 4 फरवरी 1948 को इंडिपेंडेंट हुआ था आपका श्रीलंका। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान को एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को, अगर म्यांमार की पूछी जाए तो 4 जनवरी 1948 को। हु यूज द वर्ड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पाकिस्तान जो शब्द है सबसे पहली बार किसके द्वारा आपका प्रयोग किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान जो वर्ड है, जो शब्द रहेगा, इसको सबसे पहले यूज किया गया था। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इंटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स? तो कौन सी रेखा है जो कि भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है? तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है, ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट्स में ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है या कंट्री है उसको सेपरेट करती है। अगर 8 स्टेट्स की बात करी जाए तो आपकी 8 स्टेट्स रहेंगी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। म्यांमार हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज? तो म्यांमार जो कंट्री रहेगी, जो देश रहेगा, इसका सबसे लंबा जो बॉर्डर लगता है वो कौन से देश के साथ लगता है? तो आप सबको पता है कि म्यांमार इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे बड़ा जो बॉर्डर लगता है वो लगता है चाइना के साथ। इंडिया के साथ म्यांमार का 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। इंडिया की 4 स्टेट्स रहेंगी जो बॉर्डर बनाती हैं म्यांमार से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड आपके शामिल रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड इन इंडिया? तो भारत के किस शहर को सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एसनसोल जो जगह रहेगी आपकी वेस्ट बंगाल में, इसको सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। अगर कुछ अदर निकनेम्स की सिटीज की बात करें तो ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु को, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया अमृतसर पंजाब को बोला जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और बोस्टन ऑफ इंडिया अहमदाबाद गुजरात को बोला जाता है, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स और संगम सिटी बोला जाता है प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, सिटी ऑफ सेवन हिल्स रोम इटली को बोला जाता है, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका को बोला जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बगलपुर बिहार को, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर उड़ीसा को, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया रहेगी चेन्नई जो कि है तमिलनाडु में। तो ये कुछ अदर हमारे फेमस नेम्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज यालोंग सेंगपो इन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना? तो चाइना का जो रीजन है तिब्बतन रीजन, उसमें कौन सी नदी को यालोंग सेंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यालोंग सेंगपो बोलते हैं, ये तिब्बत से ही आपकी ओरिजिनेट होती है, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और आसाम में फ्लो होती है, तो इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा के नाम से बांग्लादेश में कौन सी रिवर को जाना जाता है? तो गंगा रिवर को पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। थ्रू विच 5 स्टेट्स डज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST ऑफ इंडिया पासिस? तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है IST जो है
वो पांच स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो ऑप्शंस में आपको पांच स्टेट्स प्रोवाइडेड हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। टोटल फाइव स्टेट से जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ये आपकी पास होती है। अगर बात करी जाए इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है वो रहेगा 2933 किलोमीटर का। इंडिया का लैंड बॉर्डर लेंथ है 15,200 किलोमीटर की। कोस्टल एरिया जो हमने कवर किया था 7,516.6 किलोमीटर है। इक्वेटर से डिस्टेंस है 876 किलोमीटर। स्टैंडर्ड टाइमलाइन है इंडिया की 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंडिया स्टैंडर्ड टाइमलाइन पास करती है पांच स्टेट से, जो हमारा क्वेश्चन था अभी हमने कवर किया है। और जो आईएसटी है ये 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड रहेगा आपका ग्रीनविच मीन टाइम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पास होती है ये आपकी मिर्जापुर न्यू प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपको ये जगह भी याद रखनी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की जो नई राजधानी है उसका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफिडोउ। नेफिडोउ जो है नई कैपिटल है आपकी म्यांमार की। म्यांमार की अगर आपसे करेंसी पूछी जाए तो क्वेत जो है आपकी करेंसी हो जाएगी म्यांमार की। विच इज़ दी लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, बिल्कुल ईजी बेसिक क्वेश्चन है, राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है, पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश। वॉट इज दी न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट दी वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक लोकेटेड इन नेपाल, तो दुनिया की सबसे जो ऊंची पीक है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में मिलेगी, अभी हमने पीछे भी कवर किया था, उसकी नई हाइट क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है 8,848.86 मीटर्स। विच इज़ दी लार्जेस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जिसकी कैपिटल क्या है, लेह रहेगी, तो लद्दाख सबसे बड़ी यूनियन टेरेटरी है इंडिया की। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच अदर एशियन कंट्री हैज रूपी एज इट्स करेंसी, तो पाकिस्तान की, श्रीलंका की और इंडिया की, तीनों देशों की जो करेंसी है वो क्या है, रूपी रहेगी। एशिया की और कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी रूपी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की, इंडिया की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की, चारों कंट्रीज की करेंसी आपकी रूपी होती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार, तो म्यांमार के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है मिजोरम की। चार स्टेट्स हैं आप सबको पता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर बॉर्डर्ड बाय सी कोस्ट, तो कितनी इंडिया की यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी बाउंड्री शेयर होती है सी कोस्ट से, मतलब कोस्टल बॉर्डर बनाती हैं। स्टेट्स तो हमने पीछे ही कवर करी थी, 9 स्टेट्स हैं, यहां पे आपसे यूनियन टेरिटरी पूछी जा रही है, तो इसमें 4 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 में इजीली आप सबको पता है कौन कौन सी रहेंगी, तो 4 में आपका पुडुचेरी रहेगा, लक्षद्वीप रहेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड रहेगा और दादर नागर हवेली एंड दमन दीव हो जाएगा। ये 4 यूनियन टेरिटरीज हैं जो वाटर बाउंड्री आपकी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दी अंडमान सी एंड दी साउथ चाइना सी आर कनेक्टेड बाय, तो अंडमान सी और जो साउथ चाइना सी है ये दोनों कनेक्ट होते हैं किसके थ्रू, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो कि आपका अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। इन विच ईयर गंगा वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो एक आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 1960 में साइन करी गई थी, यहां पे जो आपसे पूछी जा रही है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में साइन करी गई थी आपकी गंगा वाटर ट्रीटी। तो गंगा वाटर ट्रीटी कब साइन करी गई, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1986 हो जाएगा। दूध सागर फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, तो इंडिया में दूध सागर फॉल्स कहां पे लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेंगे गोवा स्टेट में। गोवा स्टेट का काफी फेमस फॉल रहता है दूध सागर फॉल। जॉग फॉल्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया, जॉग फॉल्स कहां पे है, तो ये आपको मिलेंगे कर्नाटका स्टेट में। छोटा नागपुर प्लेटू इज स्प्रेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो छोटा नागपुर प्लेटू का जो एरिया है वो आपका 4 स्टेट्स में आता है जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल हैं। अगर छोटा नागपुर प्लेटू की बात करी जाए तो ये एक रिच मिनरल सोर्स रहेगा जिसमें आपका बॉक्साइट, माइका, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर और कोल पाया जाता है। जो दामोदर वैली है ये भी आपको छोटा नागपुर प्लेटू में ही मिलेगी, जिसको प्राइम सेंटर बोला जाता है कोकिंग कोल और मेटलर्जिकल कोल का।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, गिवन ऑप्शंस में से कौन सी नदी है जो कि भारत से जिसका उद्गम नहीं होता, ओरिजिनेट नहीं होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आपका जो तिब्बतन रीजन है वहां से ओरिजिनेट होती है, तो तिब्बतन रीजन आपका चाइना में रहता है, तो तिब्बतन रीजन इंडिया का पार्ट नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिवर नर्मदा फ्लोस टू, नर्मदा नदी कहाँ पे आपकी एंड होती है, किस में जाके मिलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। अरेबियन सी में जाके आपकी मर्ज हो जाती है नर्मदा रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज द ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज इन इंडिया, तो इंडिया में अगर बात करी जाए कि कौन सा सेक्टर है जिसमें पानी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इरिगेशन रहेगा। इरिगेशन में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पानी का यूज़ होता है वो ग्रेटेस्ट प्रपोर्शन आपका रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज सिचुएटेड इन आसाम, आसाम में कौन सी पहाड़ी है, तो कर्बी एंगलोंग हिल्स आपको मिलेंगी आसाम में। अगर हिल्स की बात करी जाए तो अरावली रेंजेस आपकी फैली हुई हैं गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में। कार्डमम हिल्स आपको मिलेंगी केरला और तमिलनाडु में। अनामलाई हिल्स केरला तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में। पलानी हिल्स आपको मिलेंगी तमिलनाडु में। सतपुरा रेंजेस गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। विद्या रेंजेस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में। गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं आपकी मेघालय स्टेट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज अनदर नेम कॉल्ड ब्राउन डायमंड, तो कौन सा आपका गिवन ऑप्शंस में से मिनरल है जिसको ब्राउन डायमंड भी बोला जाता है, तो इसमें लिग्नाइट आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल का एक टाइप रहता है लिग्नाइट, और जिसको कि ब्राउन डायमंड भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोल का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, तो वो एंथ्रेसाइट होता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है आपकी कोल की, जिसमें कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज अर्लीएस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इंडिया की सबसे पुरानी आयरन और स्टील कंपनी कौन सी है, तो वो आपकी टिस्को हो जाएगी। टिस्को की अगर बात करी जाए तो ये इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे पहली आपकी आयरन और स्टील कंपनी हो जाएगी। अगर टिस्को की आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आपको ध्यान रखना है टाटा जो स्टील कंपनी है, टाटा स्टील जो है उसके अंडर की ये आपकी कंपनी हो जाएगी, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था सबसे पहले आपका 1907 में। और जो टिस्को है इसको ही टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है 2005 से, तो आपको याद रखना है टिस्को आपकी इंडिया की सबसे पुरानी आयरन और स्टील कंपनी रहेगी। What is the abbreviation of ITDP? ITDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट, बक्सा फोर्ट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल स्टेट में। अगर अदाई दिन का झोपड़ा आपसे पूछा जाए तो ये अजमेर राजस्थान में है। भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में। नहरगढ़ फोर्ट मिलेगा आपको जयपुर राजस्थान में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। बेलूर मठ कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, तो कौन सी आपका शहर है इंडिया का जिस पे डायरेक्टली जो आपकी रेज है सन की वो नहीं पड़ती है, सूर्य की जो आपकी वर्टिकल रेज है, जो वर्टिकल किरणें हैं वो आपकी नहीं पड़ती हैं, तो वो आपकी श्रीनगर जगह हो जाएगी। अयोध्या इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो अयोध्या जो शहर है उत्तर प्रदेश में जिसको राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको मिलेगा सरयू नदी के, सरयू रिवर के अराउंड सिचुएटेड। अगर सिटीज की बात करी जाए जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, तो मथुरा जगह है उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। मजुली आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। कानपुर उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर के अराउंड। आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर के अराउंड। गुवाहाटी आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड। लखनऊ उत्तर प्रदेश में गोमती रिवर के अराउंड। उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा रिवर के अराउंड। और पटना बिहार में गंगा रिवर के अराउंड आपका सिचुएटेड रहेगा। दी रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन, रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करता है किसको, इंडिया और पाकिस्तान को। इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन, तो भारत का एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, ये आपका कौन से कॉन्टिनेंट पे रहेगा, तो ये आपको मिलेगा एंटार्क्टिका पे।
विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द बाउंड्री ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट्स, तो सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ कौन सी स्टेट की बाउंड्री शेयर होती है, तो वो है उत्तर प्रदेश। 8 states + 1 union territory के साथ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर लगता है। दी दुरंद लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन, तो दुरंद लाइन सेपरेट करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। दी हाइएस्ट डैम ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो आपका तेहरी डैम रहेगा जो कि उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। दी सदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया आर नोन एज, तो भारत की जो सबसे दक्षिणी पहाड़ी है श्रृंखला है वो कौन सी है, तो वो आपकी कार्डमम हिल्स हो जाएंगी, जो कि अभी हमने पीछे भी कवर किया था, केरला और तमिलनाडु में आपकी कार्डमम हिल्स आपकी लोकेटेड रहेंगी, जिसमें जो मेन पार्ट्स है कार्डमम हिल्स का वो केरला में आपका लोकेटेड है, कुछ पार्ट आपका तमिलनाडु में भी आता है। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे आज के जो हमारा सेट है इससे रिलेटेड। बाकी हमारे दो क्विज़ के क्वेश्चंस हैं, टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा जो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन, तो सिंधु सभ्यता शब्द पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो दूसरा हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है वो है, द एरिया ऑफ इंडिया इज विच व्हाट परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द होल वर्ल्ड, तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना परसेंट है पूरे दुनिया के, होल वर्ल्ड के। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ईबुक बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं डायरेक्टली ईबुक्स बाय करने के लिए। धन्यवाद।